अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए हम विंदर आए हैं और विंदर में भी वही सारा कुछ है। ये बांगड़ा मछली है जो आप लोगों को नज़र आ रही है, मैं करीब से भी दिखाता हूँ। और ये बलोचिस्तान के तमाम साहिलों पे पाई जाती है बांगड़ा मछली, और बहुत सस्ती होती है। और ये देखें, इसको बांगड़ा कहते हैं। और ये जो मछली है ये 70-80 रुपये किलो मिल जाती है। तो और बलोच लोग जो है पाकिस्तान में, बलोच लोग बड़े शौक से खाते हैं ये मछली, और ये मछली फीड बनाने के काम आती है। आजकल जो मछली की फीड बना रहे हैं ना, वो मुर्गियों वगैरह के लिए, जो मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए, तो इस मछली की फीड बनती है। ये कचरे के रेट में जा रही है 40-50 रुपये किलो के हिसाब से। और ये रात को कश्ती वाले गए थे, पूरी पूरी कश्तियाँ भर के लाएँ। पूरे बलोचिस्तान के जितने भी साहिल हैं, जितने भी किनारे हैं, सबके अंदर ये मछली पाई जाती है और इसी तरह पकड़ी जाती है। हर रोज़ लाखों करोड़ों की तादाद में ये मछली पकड़ी जाती है। तो मैंने बोला ये डिटेल भी आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। और ये विंदर का गाँव है दोस्तों, ये विंदर की दूसरी जेटी है, और पहली जेटी जो है वो इस तरफ है जो मैंने आपको रात को दिखाई थी। और हमें जो शिकार लगे वो भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा, काफ़ी सारी मछलियाँ हमें भी लगी हैं। तो ये विंदर की सारी कहानी थी, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। हम चार दोस्त कल आए थे, मेरे साथ फैसल थे मेरे दोस्त, कासिम भाई थे, और सत्तार, तीन हम लोग थे, और मैं इमाम सईद। तो हम चारों यहाँ पे शिकार के लिए आए, और जो शिकार लगे वो भी आप दोस्तों से हमने शेयर किया। आप लोग अपना ख्याल रखना। विंदर कराची से 120 किलोमीटर दूर है, बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है और फिशिंग पॉइंट है, और साथ में इसके साथ गाँव भी है जहाँ मछेरे वगैरह अपना शिकार करके अपना पेट पालते हैं। अपना ख्याल रखना दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।